आपका क्या नाम है? मानसी। आप क्या बोलेंगे, मोदी सरकार जो 10 सालों से है, 24 के चुनाव आ रहे हैं, आज राहुल गांधी जी ने रैली कर रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ, कैसे लगते हैं? पहले ये बताएं, राहुल गांधी कैसे लगते हैं? राहुल गांधी कुछ भी कर ले, वो देश के लिए तो कुछ नहीं कर पाएंगे। बोल तो रहे हैं कि मैंने बहुत कुछ कर दिया या न्याय यात्रा कर दिया। क्या किया है वो? यात्रा करने से देश चल जाएगा, उनकी यात्रा वेस्ट है, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं बदलेगा। देखिए, आप लोग महिलाएं हैं, आपको तो ज्यादा पता होगा महंगाई का ऊपर। बोल रहे कि देश के अंदर महंगाई और बेरोजगारी, इस दो मुद्दों ने, आप युवा भी है महिला भी, आप बता सकते हैं कि जो दो मुद्दे जो सबसे ज्यादा प्रमुख रूप से उठा रहे हैं राहुल गांधी, महंगाई और बेरोजगारी, आपको लग रहा है देश इससे बहुत ज्यादा परेशान है? देखिए, महंगाई है, कमाओगे तो तुम्हें कुछ चीज महंगी लगेगी नहीं। और बेरोजगारी की बात करें, पढ़ते लिखते है नहीं लोग, फिर घर पे बैठे रहेंगे अपनी चॉइस और कह देंगे कि सरकार रोजगार प्राप्त नहीं कर रही है। बाहर निकल के तो देखो कितनी जॉब है, तुम निकलोगे नहीं, काम करोगे नहीं, तो तुम्हें घर पे बैठे के पैसे नहीं देगा कोई। आप क्या बोलेंगे महंगाई और बेरोजगारी पे? देखो, काम करने जाओ ना, आपको काम मिलेगा, पर आप घर में बैठे बैठे बोलोगे हाय 100 रुपए का ये मिल रहा है, हाय 100 रुपए का। जब 100 रुपए कमाना तो सीखो ना, पहले 100 रुपए कमाना सीखो, उसके बाद 100 रुपए खर्च करना सीखो। कोई नहीं देगा आपको जब तक आप घर से नहीं निकलोगे तो। राहुल गांधी बोले युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया मोदी जी ने, 10 सालों में इतनी ज्यादा बेरोजगारी कर रखी है। अब मोदी घर घर से आके तो पकड़ेगा नहीं कि चलो चलो मैं आपको दे रहा हूँ नौकरी, चलो मैं आपको दे रहा हूँ नौकरी, निकलना तो आपको पड़ेगा ना। इतने कर दिया बर्बाद, सही है ऐसे ही होने दो, तो इनको शांत बैठने दो ना। बात अच्छी, हाँ अच्छी है, ये अच्छे के लिए हो रही है, होने दो। तो उनको, राहुल गांधी को अपने घर बैठना चाहिए, बर्बाद हो रहा है देश, होने दो। ऐसा देश सबका बर्बाद होना चाहिए जैसा हमारा हो रहा है। हम खुश हैं इसमें, हमारे बच्चे भी खुश हैं। आप क्या बोलेंगे आज जो राहुल गांधी बोलते बोलते उन्हें भावुक हो गए, आंसू निकल आए उनके आंखों से? रोएंगे ही, पहले तो कुछ काम करा नहीं है, अब उन्हें दिख रहा है कि आगे उनका कुछ होने नहीं वाला, इसलिए रोएंगे ही वो बैठ के। बोले देश के लिए रो चुके हैं, इतनी ज्यादा नफरत फैल गई, देश परेशानी में, इसलिए आंसू निकल। देश के लिए कुछ करना था तो जब सत्ता में थे तब क्यों कुछ नहीं किया, तब क्यों नहीं रोए बैठ के कि देश के लिए कुछ करना है हमें, तब क्यों नहीं करा, तब तो चुप बैठे थे। वो कुछ नहीं है, सिर्फ 2-4 लोगों को दिखाएंगे रो के, ताकि वो 2-4 लोग उसकी साइड हो जाए और बाकी सारे भी उनके पीछे पीछे चल रहे। अब जिसको जो ज्ञान नहीं होगा वो तो चल देगा उसके पीछे पीछे, और जिसको ज्ञान होगा ना वो जाएगा मोदी की ही साइड, क्योंकि अब लोगों को आ गई है अक्ल। सीधी बात ये है, लग रहा है कि थोड़े 2-4 सीट बढ़ जाएंगे इस बार, रो दिया उन्होंने। मेरे ख्याल से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसके रोने से, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सीट तो दूर की बात है, वोट भी नहीं आएंगे 2-4 क्या पता उनकी मम्मी भी नहीं दे, उनकी कोई वोट नहीं है, अपनी भी वो मोदी को ही दे के आ जाएगा, बेवकूफ है। मैम, सुनने में राहुल गांधी मोदी सरकार के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते उनके आंखों से आंसू आ गए, भावुक हो गए राहुल गांधी? हाँ, तो वो तो दरियाई वो घोड़ा है, कहीं भी गिरगिट की तरह रंग बदलेगा, रोएगा वो तो, रोने का काम है उनका, राहुल गांधी को। हाँ, लगेगा इनके रोने से कुछ इफेक्ट पड़ेगा 24 के चुनाव? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पहले से ही रोना चालू कर दिया हो हार को देख के, वो रो रहे हैं पहले से ही। मोदी ही आएंगे, आएंगे मतलब काम ही इतना अच्छा किया है। आप कोई भी काम उठा के देख लो, अगर किसी में उसकी कमी हो तो, राहुल गांधी ने पैदल यात्रा भी करी थी, कुछ फर्क नहीं पड़ा पब्लिक पर, कोई फर्क नहीं पड़ा पब्लिक में। वो तो बोल रहे मैंने देश बदल दिया, देश जोड़ दिया। कहाँ से बदल दिया, कहाँ से जोड़ दिया, कहाँ से बदल दिया और कहाँ से जोड़ दिया? जो साथ में जुड़े थे ना रैली में, सब पीछे हट गए, सब मोदी सरकार में आ गए फिर से। राहुल गांधी का जी जी बिल्कुल, फिर अकेले रह गए, देश बदल दिया। करा क्या है देश बदलने के लिए, पैदल पैदल जाते हैं क्या ये जनता हमारे पीछे पीछे चलती हुई घर जाएगी? नहीं जाएगी ना, ऐसा नहीं होता कि पैदल चल दो तो कोई भी पीछे पीछे चलता रहेगा, फिर उनका घर भरेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो करना होता है खुद करना होता है। अच्छा, मोदी जी की गारंटी पे क्या बोलेंगे? वो बोल रहे कि मैं गारंटी देता हूँ भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाऊंगा और 2047 तक विकसित भारत की तरफ नींव रखूंगा। हाँ करेंगे, दे रहे हैं वो कर देगा, करेंगे वो कर देगा, हम गारंटी दे रहे हैं वो कर देगा। मोदी जी आप क्या बोलेंगे मोदी के गारंटी? वो ऑब्वियसली करेंगे, देश को कहाँ से कहाँ ले आए, अब आगे भी वो ही बढ़ाएंगे ना, क्योंकि कांग्रेस से इतने सालों में कुछ नहीं हुआ, अब तो आनी ही नहीं है, खैर अब क्या ही कर लेगी वो। क्या नाम है भाई साहब आपका? मोहम्मद आमिर। हाँ, दिल्ली में रहते, कहाँ रहते? जी दिल्ली में। क्या बोलेंगे राहुल गांधी आज जो भारत जोड़ो नई यात्रा कर रहे थे, उनकी राज यात्रा खत्म हुई है, आज लोग बोलते बोलते मोदी सरकार के खिलाफ भावुक हो गए राहुल गांधी, बोले मोदी जी ने इतना नफरत भर दिया लोगों के अंदर, इतना ज्यादा जहर भर दिया लोगों के अंदर, क्या बोलेंगे इस बात को? तो सच है, इसमें कोई बुराई थोड़ा ही है, नफरत भर दिया, बिल्कुल सच है। मोदी ने नफरत भर दिया? मोदी जी ने नहीं भरा, उनके कार्यकर्ताओं ने भरा, मोदी जी तो अच्छे आदमी, मोदी सरकार मतलब सरकार ने, सरकार अच्छी है, कार्यकर्ता गलत है, बस। क्या हो रहा है मतलब जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं बेरोजगारी को लेके? हिंदू मुस्लिम पहले प्यार से रहते थे, अब एक दूसरे को देख के चेहरा फेर लेते हैं।
पहले हमारा देश ऐसे चलता था, दिवाली पे मिठाई पूछाया करते थे मुस्लिम के घर, मुस्लिम ईद पे पूछाया करते हैं हिंदू। क्या होता है अब तो एक दूसरे को देख के मुंह फेर लेते, नफरत ही है। 2014 से जब से बीजेपी सरकार आई है, बीजेपी सरकार बुरी नहीं है, उसके कार्यकर्ता बुरे, वो नफरत का काम कर रही है जी, कार्यकर्ता उसके बुरे है, थोड़ा सा इस तरफ हो जाइए प्लीज। बस बाकी नहीं, बात मैं जवाब लूंगा आपसे, करो ना बस। क्या बोलेंगे मैम इनके? कार्यकर्ता भी अच्छे हैं, वो तो अपनी अपनी सोच है, कोई नहीं कर रहा है ऐसा, ये तुम्हारी सोच है, मानसिकता है। चले गए हैं वो, डरपोक है, राहुल गांधी के सपोर्टर है ना, तो भागेंगे ही ना, भाग गए, भागेंगे। अच्छा, बीजेपी ही आएगी, बीजेपी आएगी, आएगी पक्का आएगी। मोदी जी बोल रहे हैं इस बार 400 पार का नारा लगा रहे हैं, बोले जनता से 400 पार नारा मांग रहे हैं, 400 उससे आगे जाएगा, उससे आगे जाएगा, सबका सूपड़ा साफ होगा, बस बीजेपी। आपको लगता है मतलब विपक्ष जितना हाथ पैर मार रहा है, अभी रैली कर रहे हैं मुंबई के अंदर, सबके सब इकट्ठे हो रहे हैं, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, बाकी और भी जो नेता हैं इनके, मरने से पहले ना हर कोई फड़फड़ाता है, तो वो भी मर गए, विपक्ष मर गए, मर चुके, गए, राम नाम सत हो चुका उनका, तभी तो वो लगे पड़े। पब्लिक पहले वाली पब्लिक नहीं है अब, अब वो जाग चुकी है कि कौन सही है और कौन गलत है। हाँ, और जो आजकल की युवा है ना वो ज्यादा हो चुकी है, उनको पता है कि किसको वोट देना है और किसको वोट नहीं देना है। अच्छा, अच्छा। ये जो भी मुस्लिम जो भाई आए थे वो जो बोल के गए मोदी सरकार के खिलाफ कि नफरत बढ़ गया, जब से मोदी सरकार 2014 से आई है नफरत बढ़ गया एक दूसरे के खिलाफ, नफरत बताओ क्या नफरत बढ़ी है? हमें तो कोई नफरत नहीं आई है और न किसी में आज देखी गई है। मैं हिंदू मुस्लिम करते हैं मोदी जी? नहीं नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करता, वो आपकी मानसिकता है, मानसिकता है वो सिर्फ, और कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करता वो। राहुल गांधी जी बहुत आरोप लगा रहे हैं, वो जो भारत जोड़ो नया यात्रा कर रहे थे, बोले मोदी जी ने नफरत फैला दिया है, मोदी जी ने लोगों के दिमाग में जहर भर दिया है, लोगों में प्यार खत्म कर दिया है, इस पे क्या बोलेंगे जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं मोदी सरकार के ऊपर? मोदी सरकार तो देखो जहर फैलाने वालों को हटाने पे लगे हुए हैं, मोदी सरकार ने तो जो करा अच्छा करा है, बाकी तो सब अपना रोना रो रहे हैं, वो रोते डोल रहे हैं, रोने दो, आएगी तो मोदी सरकार। मैम सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी जो उनकी पैतृक सीट थी अमेठी की सीट, वो छोड़ के जा रहे हैं वापस, जो अमेठी से पिछली बार लड़े थे वो इस बार लड़ने नहीं जा रहे हैं, उनकी माता जी ने भी रायबरेली की सीट छोड़ दी, क्या बोलेंगे वो जो अपनी पैतृक सीट छोड़ दी? भगोड़े हैं तभी तो छोड़ा, डर है, डर है, हाँ पता है सीधा कि वो जीतने वाले नहीं है, छोड़ के भाग गए, पहले से पहले ही तभी भागते हैं ना, वो पहले भी नहीं जीते थे, अब भी नहीं जीते, हाँ तो पहले से हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, नहीं हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी, जनता के सामने आने की हिम्मत नहीं है, अकेले अकेले सड़कों पे नाच रहे हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं कि हम यात्रा निकाल रहे हैं, किस बात की यात्रा है वो, देश बदलने के लिए? अरे ऐसी यात्रा तो हम रोज निकाल दें, मोदी सरकार के खिलाफ यात्रा, कुछ नहीं होने वाला उससे, नहीं पड़ने वाला उससे, कुछ नहीं होगा। बोलेंगे जो राहुल गांधी अपनी पैतृक सीट छोड़ के नहीं लड़ना चाहते अमेठी से, ना प्रियंका गांधी भी रायबरेली से लड़ना नहीं चाहती है, वो लड़ना क्यों नहीं चाह रहे हैं, क्या वजह हो सकती है? वजह यही हो सकती है ना, क्योंकि उनके पास सपोर्टर ही नहीं है ना, है ही नहीं, उसको पता है कि जनता उसकी साइड आएगी नहीं, क्योंकि मोस्ट से जनता सारी मोदी की साइड जा चुकी है ऑलरेडी, अब उसके पास जो हथियार है ना वो सिर्फ वही अजमा रहा है वो बस। अच्छा। एक तो रोने का हथियार सबसे पहले है। अच्छा। वो हर चीज में रोएगा पहले, ताकि जो पब्लिक है 2-4 तो आए, नहीं तो वो भी भग जाएगी फिर। अच्छा। 2-4 तो ले ले बेचारा, कि कहीं मुंह दिखाने लायक तो मैं रहूं कि हाँ इतनी वोट आई है मेरे पास। आप क्या बोलेंगे? मैं बहुत देर से इंतजार कर रही हूं, कैसे लगे मतलब राहुल गांधी को, आप कभी भविष्य में प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे मोदी जी के बाद? नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ मोदी चाहिए मोदी जी के बाद, कभी नहीं मोदी जी के बाद राहुल गांधी तो बिल्कुल भी नहीं। वजह क्या है? इतने मैच्योर लीडर हो चुके हैं। नहीं नहीं नहीं, उनके बाद योगी जी हैं, योगी जी को देखना चाहेंगे, अमित शाह जी हैं उनको देखना चाहेंगे, लेकिन राहुल गांधी जी को तो बिल्कुल भी नहीं, नहीं 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 बिल्कुल नहीं। चलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए मैम।